देखो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हो। पहले हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया था, अब हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। याद रखना प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे ये हमारा एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चार प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक टाटा, रिलायंस, इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। टाटा की कार्स भी है, टाटा का सॉल्ट भी है। तो जब आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। गेटिंग इट, यहाँ पे चार प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स, गार्मेंट्स, फुटवेयर और स्किन केयर। चारों प्रोडक्ट है यहाँ पर, चारों के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। यानी कि गारमेंट्स के अंदर भी ये चार डिपार्टमेंट होंगे फंक्शंस वाले, स्किन केयर में भी होंगे, फुटवेयर में भी होंगे, कॉस्मेटिक्स में भी होंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, ये एक बड़ा फॉर्म है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। ये तब यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं बिजनेस के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट, जब आपके बिजनेस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तब फंक्शनल स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा। जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तब आप डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, इसके एडवांटेजेस ये है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। जो भी यहाँ पे बंदे होते हैं, जो भी पर्सन्स होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, ये अपनी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं। कॉस्मेटिक्स वाले कॉस्मेटिक्स में स्पेशलाइज होते हैं, फुटवेयर वाले फुटवेयर में, स्किन केयर वाले स्किन केयर में, और गारमेंट्स वाले गारमेंट्स में स्पेशलाइज होते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आपको कॉस्ट और प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट का इजीली पता लग जाता है कि हमें स्किन केयर से कितना प्रॉफिट हुआ है और हमारे फुटवेयर से कितना प्रॉफिट हुआ है। लाइक टाटा की अगर मैं बात करूं तो टाटा सॉल्ट से कितना प्रॉफिट हुआ है, टाटा की कार से कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। जब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है तो प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो ये डिफरेंट डिविजन्स होते हैं ये आपस में लड़ जाते हैं कभी कभी। यानी कि स्किन केयर वाले फुटवेयर से लड़ जाते हैं कभी। ये देखो हर एक बिजनेस में ये होता ही है, आपस में डिपार्टमेंट्स में नहीं होता सही से कोऑर्डिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट, और इंक्रीज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब देखो मैंने आपको बताया कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर ये चारों फंक्शंस होंगे, लाइक कॉस्मेटिक्स में भी ह्यूमन रिसोर्स होगा, गारमेंट्स में भी होगा, फुटवेयर में भी होगा, स्किन केयर में भी होगा। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। बार बार डुप्लीकेट की जगह आप चार बार एक ही काम करोगे तो इससे आपकी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। और मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक एमडी इन सबको कैसे संभाले, एक एमडी इन सबको कैसे संभालेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, दो टॉपिक रह गए हमारे इस चैप्टर के, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म वन के लिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जहां पे इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा ही आएगा, गारंटीड 100%। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। यानी कि अगर कोई बॉस है, सपोज मैं बॉस हूं और मेरा कोई एम्प्लॉई है, अगर मैं अपना काम उसको दे देता हूं कि तुम ये काम करो मेरी जगह पे, तो मैं अपनी अथॉरिटी को उसको डेलीगेट कर रहा हूं। ये सब चीजें आपने स्कूल में बहुत देखी होगी। टीचर क्या करता है, अटेंडेंस दे देता, मॉनिटर को बोल देता है कि तुम अटेंडेंस ले लो मेरे बिहाफ पे। तो मॉनिटर के पास उस टाइम पे अथॉरिटी है कि वो अटेंडेंस ले सकता है, वो टीचर की जगह काम कर रहा है। ऐसे ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है बिजनेस के अंदर। जो मालिक होता है बिजनेस का या जो मैनेजर होता है, वो अपनी अथॉरिटी अपने एम्प्लॉइज को डेलीगेट कर देता है थोड़े टाइम के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए या दो प्रोजेक्ट के लिए, उसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी डेलीगेट हुई है तभी डेलीगेशन हुआ है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसको अथॉरिटी मिली है उसको गलत इस्तेमाल ना करे और सही से करे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उसको जवाब देना पड़ेगा एम्प्लॉय को अगर वो कोई गलत काम करेगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी के अंदर आता है। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन के, कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होने का मतलब ये है कि जब आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो मैनेजर है वो बाकी काम पे ध्यान दे सकता है, मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है फर्म का। लाइक मैं बॉस हूँ, मेरे अंदर 100 एम्प्लॉइज हैं और मैं उनको हैंडल करने की जगह किसी एक को बोल दूँ कि तुम हैंडल करो मैं अभी आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, मैं दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे सकता हूँ ऐसा मैनेजर। दूसरा, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बॉस ने मुझे काम दिया है, 100 बंदों में से मुझे सिलेक्ट किया है, तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, उसको मोटिवेशन भी होता है
ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। बाकी लोग भी सोचते हैं कि अब मैनेजर हमें ये अपॉर्चुनिटी देगा फिर हमें देगा, तो सबका काम अच्छा हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होने लगता है फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो डेलीगेशन में क्या था, एक मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी किसी और को दी, डेलीगेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स डिवाइड करके चले जाते हैं। लाइक मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैंने क्या किया, मैंने चार लोगों को सिलेक्ट किया कि तुम चार मेरी कंपनी को संभालो, मैं पूरी अथॉरिटी तुम्हें देता हूँ, प्रॉफिट लॉस जो होगा तुम बता देना मुझे क्या होगा। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने अपनी पावर सारी मैनेजर्स को दे दी एज एन ऑनर, ऑनर होने के वो मैंने अपनी सारी पावर मैनेजर्स को दे दी। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे एम्प्लॉइज के अंदर इनिशिएटिव्स आते हैं, एम्प्लॉई खुद से सोच के काम करने लगते हैं, इनोवेटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, डिसीजन में बहुत इजी होता है, आप मालिक से बार बार नहीं पूछना, आप डिसीजन खुद ले सकते हो। टॉप मैनेजमेंट को बहुत आराम होता है, जो सबसे ऊपर लेवल पे मैनेजर्स डायरेक्टर टॉप मैनेजर्स उनको बहुत आराम होता है, वो बाकी चीजों पे ध्यान दे देते हैं, और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है फर्म की। ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी जब आप डिसेंट्रलाइज करोगे अपने एम्प्लॉइज को, अच्छे से अथॉरिटी दोगे, वो काम करेंगे, ग्रोथ आपकी होगी ही होगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा मार्केटिंग का चैप्टर। बेटर है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो और साथ में इसको पेन डाउन भी कर लेना सारी चीजों को, और बाकी के जो मैंने आपको बताया चार वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शुरू के चार चैप्टर्स का आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।